Hello guys, welcome back for the E2N platform. As you know earlier that we were just discussing about the 2017 paper, right? We were around almost 77th question, right? Okay, we are doing about a 77th question. Due to some network issue, I could have not covered that question. But today we can start from a 77th question and we can complete the whole paper today. Okay, fine. Chalo. दोबारा मैं आपको स्वागत करता हूँ E-Student प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक। माई सेल्फ सृजन भैया। चले अब देखो क्वेश्चन पे आ जाना। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 77 क्वेश्चन कर रहे थे ना। हाँ यही क्वेश्चन था, हम मिलर इंडिसेस वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना। मिलर इंडिसेस क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखो क्या पूछ रहे हैं मिलर इंडिसेस क्वेश्चन पे। मिलर इंडिसेस पे पूछ रहा है कि वॉट मिलर इंडिसेस प्लेन इज शोन बिलो, मतलब कि इस क्यूब का, मतलब कि इस क्यूब का, मतलब ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइडल शेप है ना, एक क्यूबॉइडल शेप है, क्यूब नहीं है ये, है ना, एक क्यूबॉइडल शेप है। चले हम मान लेंगे कोई भी हो, लेकिन हम थ्री डी स्ट्रक्चर है ना, थ्री डी स्ट्रक्चर है ये, हमको बात होती है, ठीक है। देखो मैं एक, मतलब मैं एक चीज बताऊं कि इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच नेमिंग देता हूं, ठीक है। अभी इस प्लेन में ये ई और एफ एच, ये दोनों अपोजिट अपोजिट है, और बी एफ और सी जी, ओके ठीक है। ये दोनों, मतलब कि ये तीनों, सॉरी चारों एजेस है ना, दिस बिलोंग्स टू अ जेड एक्सिस, फॉर अ जेड एक्सिस, ओके। इन दिस फोर एजेस इफ देर इज एनी इंटरसेप्ट, if there is any intercepts we should consider that, okay, if in a z axis, if in this among these edges, like kaun sa edges hai bhai, z axis ka edges kaun sa hai, ye hi edge hai aur dh edge hai aur bf edge hai aur cg edge, theek hai, ye ye charo ka edges mein kisi ka bhi, theek hai, kisi ka bhi intercept aa jayega na, hum consider kar sakte hai isko z axis ke andar, theek hai, z axis ke andar any intercept in this will consider as a z axis, okay, this for z axis. Then we can come for a x axis. Dekho x axis ke liye ye wala part dekhna hai, theek hai, x axis ke liye kaun sa hai, ad eh, ye dono opposite hai, matlab ye dono parallel hai, theek hai, main parallel dikhata hu, ad और BC पैरेलल टू FD, ठीक है, ये चारों एडजस, ये चारों एडजस के, इस चारों एडजस में आपको कोई भी इंटरसेप्ट आ गया तो उसको हम कंसीडर करता है एक्स एक्सिस, ठीक है, हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस। और देखो और तीसरा कौन सा था, और तीसरा है कि ए वाला पार्ट कौन सा है भाई, ए वाला, हाँ कौन सा भाई, ओ ए बी पैरेलल टू ई एफ और डी सी पैरेलल टू एच जी, ठीक है, ए चारों एडजस कंसिडर करता है एक्स एक्सिस, कहीं पे ऊपर, इसके ऊपर हम क्या करना है, कहीं इसके ऊपर कहीं पे भी इंटरसेप्ट आ जाएगा ना, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। देखो अब देखो भाई, पहले हम एक्स एक्सिस को देख लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस ए है ना, हाँ, इसमें कहीं पे भी है क्या इंटरसेप्ट, हाँ भाई इंटरसेप्ट है क्या कहीं पे भी, हाँ है ना, देखो नीचे ही है ना, ये नीचे, हाँ ए वन है, ठीक है, मतलब कि नीचे पे है इसलिए हम इसको कंसिडर करता है वन, चले क्योंकि वन ही कंसिडर कर रहे होता है, देखो इस प्लेन पे, मतलब कि इस वाला एंगल पे, मतलब देखो इस पे ना हमारा इंटरसेप्ट इधर पे, मतलब कि एक एक है, ठीक है, इसका इंटरसेप्ट है कि एक है, ठीक है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, वन इज द इंटरसेप्ट, ओके। अब देखो इसका हो गया, अब वाई जेड एक्सिस को देखो, जेड एक्सिस ऊपर है ना, जेड एक्सिस, हाँ ऊपर का है क्या कुछ, हाँ भाई ऊपर का है ना, इधर ऑफ मेंशन किया ना उन लोग ही, ऑफ, हाँ मतलब कि जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट आ रहा है ऑफ, ठीक है, चले जेड एक्सिस का हो गया, अब किसको देखना है, अब देखना है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस से देखो,
है क्या कहीं पे एक्स एक्सिस का? नहीं भाई, एक्स एक्सिस का इधर है ही नहीं है, ठीक है, एक्स एक्सिस का इधर है ही नहीं है. ओनली दिस बिलोंग्स टू, एक्चुअली दिस प्लेन इज इन दिस वे, राइट, इज इन दिस वे. ओके, इट्स नॉट इन दिस वे. इफ इट वॉज इन दिस वे ना, वी कुड हैव कंसिडर्ड इट एज अ जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, राइट, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, बट द प्लेन इज इन दिस वे. ओके, सो इट बिलोंग्स टू ओनली टू एक्सिस, दैट इज एक्स वाई, सॉरी वाई जेड, एंड एक्स एक्सिस विल बी इंफिनिटी. ओके, वी कंसिडर इट एज अ इंफिनिटी. ओके, नाउ दिस आर द इंटरसेप्ट. ओके, फॉर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इंफिनिटी वन एंड आफ आर द इंटरसेप्ट. टू फाइंड द मिलर इंडेक्सेस वी हैव टू डू इट्स अ रेसिप्रोकल. ठीक है, देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाय इंफिनिटी, इसका तो वन बाय वन है, इसका तो टू बाय वन आता है, ठीक है, इन्फिनिट. ओके, वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, इसका तो वन है और इसका तो टू, मतलब कि हमारा मिलर इंडिसेस आता है जीरो वन टू. ठीक है भाई, जीरो वन टू, ये हमारा मिलर इंडिसेस आता है. ठीक है, देख लो कहाँ पे है, जीरो वन टू, ऑप्शन सी पे है. ठीक है भाई, हमारा ऑप्शन सी पे हमारा मिलर इंडिसेस का वैल्यू है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन देखो, 78 क्वेश्चन ध्यान में पढ़ो. 78 क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, 78 पूछ रहा है कि इफ अनसर्टेनिटीज इन द मेजरमेंट ऑफ अ पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल. ओके, अनसर्टेनिटीज मेजरमेंट ऑफ अ पोजिशन एंड अ मोमेंटम आर इक्वल, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ अ वेलोसिटी. भाई अनसर्टेनिटी, आइसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, मतलब कि एक ही टाइम पे हम पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी फाइंड इट आउट. ओके, वी कांट फाइंड इट, इट डजंट डिपेंड लाइक पोजीशन ओनली और मोमेंटम ओनली, इट कैन बी एनीथिंग. आपको मैं एक पेपर को पढ़ाने के टाइम पे आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वो कौन सा एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल था कब हमारा बस आता है ना, देखो अभी तो इधर खड़ा हो जाएगा ना, इधर कड़ा है तू, ठीक है, दिस इज यू एंड देर इज अ सर्कल हियर एंड अ सर्कल हियर ऑल्सो, द बस कम फ्रॉम इन दिस वे. ओके, एंड दिस बस कम्स फ्रॉम दिस वे. ओके, यू कांट नो द एग्जैक्ट मेजरमेंट और एग्जैक्ट टाइम एट वॉट टाइम द बस कम्स इन दिस रोड. ओके, एट वॉट टाइम द बस टर्न्स. ओके, सो यू कांट फाइंड द टाइम, एग्जैक्ट टाइमिंग्स, ओके, ऑफ द टर्निंग ऑफ द बस. ओके, दैट वॉट योर, आप फाइंड नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पे आप दोनों का बस का टाइमिंग फाइंड नहीं कर सकते, वही तो बात हो रहा है इधर अनसर्टेनिटी पोजीशन पे. ठीक है, मतलब कि वहां पे क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों इक्वल है, इज देयर इक्वल, मीन्स लाइक प्लस आर इक्वल इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी. ओके भाई, चले हम इसका मेजरमेंट फाइंड करना है, किस इसमें क्या फाइंड करना है, अनसर्टेन वेलोसिटी फाइंड करना है, और एक इंट दिया है, क्या दिया है, मोमेंट, सॉरी पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल. ओके, आर इक्वल. ठीक है भाई, पहले हम क्या करना है, पहले हम अनसर्टेन पोजिशन को, पोजिशन का फॉर्मूला लगाना है, क्या था भाई वो, सॉरी ये मोमेंटम है ना, पी बोलते, सॉरी पी, मोमेंटम इज पी, राइट, या अनसर्टेन पोजिशन, अनसर्टेनिटी मोमेंटम. ओके, दिस अनसर्टेन मोमेंटम इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज इक्वल टू एच बाय टू. ओके, इट्स सॉरी एच कट बाय टू. चले, ये नॉर्मली क्या है, अनसर्टेन पोजिशन का वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, इसमें फाइंड कर सकता है, लेकिन एच कट का वैल्यू क्या होता है, एच कट इज इक्वल टू एच बाय टू बाई, ठीक है, और इसका नॉर्म और इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि सॉरी पहले अनसर्टेन मोमेंट आपको कैसे लिखता है, अनसर्टेन मोमेंट आपको हम लिख सकता है मास इनटू अनसर्टेन वेलोसिटी इनटू अनसर्टेन पोजीशन इज इक्वल टू एच कट बाय टू। ठीक है, हम क्या फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एच कट बाय टू इनटू मास, राइट, टू इनटू मास इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ओके, हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि अनसर्टेन इन मोमेंटम इज इक्वल टू अनसर्टेन इन पोजिशन, लाइक अनसर्टेन इन पोजिशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन अ पोजिशन, ये हमारा इंट है। ठीक है, ये हमारा इंट है। अब क्या करना है, अब अनसर्टेन इन पोजिशन पे हम ए लगा दो, क्या लगाना है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन पे हम ए लगा सकते हैं ना, पी। सो व्हाट इज डेल्टा पी, दैट इज अनसर्टेन मोमेंटम क्या होता है, अनसर्टेन मोमेंटम होता है इनटू m इनटू डेल्टा v। ठीक है, इट इज इक्वल डेल्टा v होता है। अब देखो डेल्टा v, अब a ऊपर हो जाएगा, डेल्टा v स्क्वायर हो जाएगा और h कट बाय 2 इनटू m स्क्वायर। चले अब देखो डेल्टा v इज इक्वल टू रूट ऑफ h कट बाय 2 m स्क्वायर। अब रूट रूट कैंसिल होएगा और 1 बाय m इज इक्वल टू h कट बाय 2। चले 1 बाय m इज इक्वल टू h कट बाय 2। अब आगे को देखो, आगे क्या हो रहा है, आगे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना, हम आगे h कट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, h कट मतलब क्या होता था, h कट मतलब कि h बाय 2 पाई, तो h बाय 2 पाई इंटू 2 कितना है, 2 पाई इंटू 2 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। अब हमको सब कुछ पता है, क्या पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है एंड एच का प्लैंक्स कांस्टेंट भी पता है, पाई का वैल्यू भी पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना भाई, अनसर्टेन मोमेंटम एंड पोजीशन किसको फाइंड करता है, हम इलेक्ट्रॉन को ही फाइंड करता है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है भाई, 9.1 इंटू 10 राइज टू -34, सॉरी -31 है ना ये। हाँ ठीक है, -31 होता है। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, और प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है भाई, 6.626 इंटू 10 राइज टू ए -34 है। चलिए देखो ना, अभी सब्स्टिट्यूट करो इसका वैल्यूज को, 1 बाय 9.1 इंटू 10 राइज टू -31 इंटू रूट ऑफ 6.626 इंटू 10 राइज टू -34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14। ठीक है, समझा है आपको। अब देखो इसका टोटल आंसर क्या होता है, जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू 10 राइज टू 14 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल आंसर होता है 8 इंटू 10 राइज टू 12 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई ये आंसर कहां पे है, आपको समझ आ रहा होगा ना, ये ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, इसका डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया, क्या था नीचे मतलब रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद ए वाला देखना है, और एच कट का वैल्यू कितना था, एच बाई 2 पाई है, और उसके बाद इसको फाइंड करना है, बस सिंपल है ये तो, ज्यादा दिक्कत नहीं होता। ठीक है, मोल मीटर पर सेकेंड आता है, मतलब उनको पता है ना वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है चलो, इसमें देखो हमारा आंसर कहाँ है, आंसर कितना आया भाई, आया 8 इंटू 10 पावर 12, राइट, 8 इंटू 10 पावर 12। देखो 10 पावर 12 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, 10 पावर 12 इंटू 10 पावर 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहां पे 8 है, मतलब ऑलमोस्ट रेंज, इसको तो सिंप्लीफाई करना है तो हमको 8 ही मिल जाएगा। ठीक है चले, हो गया भाई इसका आंसर मिल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब देखो 79 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, 79 पूछ रहा है कि
फॉलोइंग आर द टर्म्स अबाउट एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, ठीक है क्या भाई? फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, क्या पूछ रहा है? एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन एंड सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। हाँ भाई यही तो काम होता है ना इसका। हाँ इसका काम तो यही होना चाहिए ना, और कुछ नहीं है। क्या करता है? एक्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट इट ना। हाँ मतलब कि पहले वाला होता है ना, कैटलिस्ट को एक्सेलरेट करता है, और दूसरा सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट होता है ना, वो दूसरे टाइप है, मतलब कि वो डिफरेंट पाथ दिखाता है ना। छोटा वाला पाथ, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा सकता है और इसको नीचे भी कर सकता है, और इसको बढ़ा के हमको ये करता है कि हमको बढ़ा के और नीचे दिखा के डिफरेंट पाथ दिखाता है ना, डिफरेंट रूट इज शोन बाय दी। सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट और वी कैन टेल दैट और बाय द कैटलिस्ट सेलेक्टिविटी, ठीक है बाय कैटलिस्ट सेलेक्टिविटी, ठीक है चले ये ठीक है, ये हमारा टी का आंसर था, ठीक है। रिगार्डिंग टू सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्सेलरेट्स द केमिकल रिएक्शन, मतलब इट शोज द डिफरेंट पाथवे एंड रीचेस इट्स अ वेरी फास्टर, इट्स गिव्स अ काइनेटिक प्रोडक्ट मोर, देख ले ठीक है। फर्स्ट वन तो ठीक लग रहा है, दूसरा देखो एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन, नहीं भाई एक्टिविटी नहीं, ऐसे नहीं होता है, रिएक्शन को डायरेक्ट नहीं करता है, वो रिएक्शन को दिखाता है कौन सा रास्ता में चलना है आपको, है ना। दैट इज सेलेक्टिविटी, दैट वाज सेलेक्टिविटी एबिलिटी, मतलब कि नॉर्मली एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू गिव द रिएक्शन रिएक्शन एट द गिवन टाइम और बाय इंक्रीजिंग द टाइम, ठीक है ये होता है कैटलिस्ट का काम, लेकिन इसमें गलत दिया है, ठीक है इस सेकेंड वाले में गलत दिया है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ये, क्योंकि वहां पे फर्स्ट ऑप्शन ठीक दिया है, इसमें तो गलत है, और क्वेश्चन बोथ नहीं हो सकता है, और नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई चले मिल गया अभी आंसर, है ना। हाँ अब 80 देखो, 8080 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ भाई क्या, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें? देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर, हाँ भाई ऑब्वियसली इट इज अ लीनियर, कैसे देख कार्बन है उसके वो किसके इलेक्ट्रॉन बन सकता है, मतलब किसने बॉन्ड कितना बॉन्ड बन सकता है कार्बन, इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है चार है, चार बॉन्ड बना सकता है, कार्बन है ऑक्सीजन है दो बन सकता है, ठीक है इसके पास अभी वेकेंट नहीं है कुछ नहीं है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। अब क्या होता है, ये लीनियर बन जाता है, ठीक है ये लीनियर बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, ठीक है ये भी सही है, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहे ना, लेकिन ये सही है लेकिन इनकरेक्ट नहीं है, मतलब हमारा क्वेश्चन पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा ना, लेकिन मैं मार्क किया है सही वाला आंसर है, ठीक है। अब दिस दूसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ टू डीजेनरेट बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कितना है टू डीजेनरेट बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है हाँ भाई बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दो कैसे भाई, आपका फॉर्मूला क्या है? बेंडिंग मोड फाइंड करने के लिए, बेंडिंग मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है 2n-4 फॉर ओनली लीनियर, इसमें एन लगा दो नंबर ऑफ एटम्स, ओके नंबर ऑफ एटम्स कितना है भाई, नंबर ऑफ एटम्स तो 3 है, सो 2 × 3-4 आपको कितना आता है 6, सॉरी 2 आता है ना, सिक्स माइनस फोर 2 है ना। हाँ मतलब ये भी सही है ना, ये भी सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ टू डीजेनरेट बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, हाँ ऑब्वियसली यही है ना फॉर्मूला, बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करने के लिए 2n-4 यूज करता है, ठीक है चलिए। अब तीसरा देखो, द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड शोस अ अब्सॉर्प्शन, कितना भाई कितना अब्सॉर्प्शन दिखाता है, हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो नॉर्मली
वो देते हैं, मतलब कि इसमें अब्सॉर्प्शन पीक नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली वाइब्रेशन मोड्स कितना आता है। नॉर्मली 3N-5 होता है टू फाइंड वाइब्रेशन मोड, टू फाइंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आईआर स्पेक्ट्रम में 4 अब्सॉर्प्शन पीक आता है नहीं, मतलब कि पीक पूछ रहा है, पीक 4 अब्सॉर्प्शंस। ओके, आईआर स्पेक्ट्रम शोज अ 4 अब्सॉर्प्शन, नहीं एक्चुअली इसमें तो 4 आता है लेकिन वो दिखाता है ओनली 3, बिकॉज द सिमेट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड इज आईआर इनएक्टिव। ठीक है, सिमेट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड इज आईआर इनएक्टिव और असिमेट्रिक इज एक्टिव। और दोनों कौन सा है, स्ट्रेचिंग मोड आता है ना। हाँ, और दोनों आता है स्ट्रेचिंग मोड्स। ठीक है, टोटली टोटली कितना है, टोटली 4 वाइब्रेशन मोड्स है लेकिन एक्टिव कितना है, 3 आर ओनली एक्टिव। बट ओनली 3 आर एक्टिव। ठीक है भाई, ओनली 3 आर एक्टिव। सो अभी क्या है, अभी ए वाला आंसर है ना ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड है 2 स्ट्रेचिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। हाँ ऑब्वियसली अभी भी बात किया है ना हमने, 2 स्ट्रेचिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कौन सा है, देखो सिमेट्रिक असिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक होता है 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है चले, ए भी ठीक है लेकिन हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वहां पे आईआर स्पेक्ट्रम है दिखाता है 3 ही है लेकिन वाइब्रेशन मोड 4 है, वहां पे सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक वाला, वो सिमेट्रिक वाला आईआर इनएक्टिव होता है, आईआर इनएक्टिव होता है। चले, लेकिन रावण एक्टिव होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग अ लीनियर शेप विल बी आईआर एक्टिव, सॉरी आईआर इनएक्टिव एंड इट विल बी अ रावण एक्टिव। चले, इट इज फॉलोइंग व्हाट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप देखा ही होगा ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, बस यही है, यू शुड नो म्यूचुअल एक्सक्लूजिव प्रिंसिपल। ठीक है भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चले 89 क्वेश्चन देखो, आपको ज्यादा मिस हो गया अभी, इधर अरेस्ट कर लेता हूं इसको मैं। देखो भाई इसको देखो, फ्रॉम कार्नोट साइकिल गिवन बिलो अंडरगो बाय एन आइडियल गैस आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो, कहाँ पे इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो होता है, कहाँ पे भाई इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो कहाँ पे होता है, आइसोथर्मल में ना इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो होता है। कहाँ पे इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो होता है भाई, देखो आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ नॉन जीरो। ठीक है, मतलब कि देखो नॉर्मली इफ इट इज आइसोथर्मल टेम्परेचर इज जीरो, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, इफ इट इज आइसोबैरिक प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है इसको मान लेंगे। ठीक है, अभी देखो अभी क्या देखना है आपको, अभी एक चीज देखना है कि वो आइसोथर्मल में इसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है और इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा था, डीयू इज इक्वल टू सीवी इंटू डीटी, राइट, डीयू इज इक्वल टू एन सीवी इंटू डीटी एड कर सकते। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वन वन आ रहा है, सॉरी इफ इट इज वन इट कैन इट विल बी ओके। ओके नाउ डीटी देखो, इफ इट इज आइसोथर्मल
देन डीयू इज इक्वल टू एन इंटू सीवी इंटू जीरो, मतलब कि टोटल डीयू विल बी इक्वल टू जीरो इन आइसोथर्मल, इन आइसोथर्मल डीयू विल बी इक्वल टू जीरो। ओके नाउ देखो एडियाबेटिक में, देखो एडियाबेटिक के लिए कौन सा फॉर्मूला है? एडियाबेटिक के लिए नॉर्मली डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या है, अब प्रेशर कांस्टेंट है ना, अब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब अभी इसमें कैसे, सॉरी प्रेशर मतलब, सॉरी मैं प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स एडियाबैटिक राइट एंड नॉट आइसोबेरिक, सॉरी 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 गाइस मैं गलत बोल रहा हूँ। एडियाबैटिक राइट, हाँ ठीक है, एडियाबैटिक मतलब कि क्यू मतलब इट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके व्हेन फॉर एडियाबैटिक क्यू विल बी इक्वल टू जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू एंड देन डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, मतलब कि यहाँ पे नॉन जीरो है भाई। कहाँ पे है नॉन जीरो? हाँ देखो समझ गया आपको, क्योंकि आइडियल गैस पूछा है कि यही फॉर्मूला यूज करना है ना हमको आइडियल गैस के लिए, है ना, यही फॉर्मूला यूज करना है। चले ठीक है, कार्नोट साइकिल गिवन बिलो अंडरगोस बाय आइडियल गैस, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ नॉन जीरो। कहाँ पे जीरो होता है? आइसोथर्मल में जीरो होता है। आइसोथर्मल कहाँ पे भाई? फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड पे आइसोथर्मल है, लेकिन ये हमारा गलत आंसर होता है। लेकिन लेकिन एडियाबैटिक में हमारा नॉन जीरो आ जाता है, ठीक है, नॉन जीरो इज फॉर्मड इन अ एडियाबैटिक सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ पोर्शन, ठीक है। कहाँ पे भाई? ऑप्शन सी में है, सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन इज अवर राइट आंसर, ठीक है। चले क्योंकि सेकेंड थर्ड ऑप्शन क्यों है, क्योंकि वहां पे हमारा एडियाबैटिक आता है, वहां पे क्या आता है भाई, वहां पे एडियाबैटिक आता है, चले इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारा आंसर मिल गया 81st का भी, ऑप्शन सी है। अब हम चलेंगे 82 के ऊपर, 82nd क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। फॉर अ लिक्विड विच इज राइजिंग इन अ कैपिलरी ट्यूब द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, एक्चुअली इसको याद करना होता है, फॉर अ लिक्विड होना, लिक्विड के लिए राइजिंग कैपिलरी ट्यूब में होता है ना, एंगल कॉन्टेक्ट कितना होना चाहिए, वो एक्चुअली होना चाहिए एक्यूट एंगल, ठीक है। वो क्या भाई? एक्यूट एंगल है। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर अ लिक्विड राइजिंग इन अ कैपिलरी ट्यूब इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या हो रहा है वहां पे, एंगल ऑफ अ कॉन्टेक्ट फॉर अ लिक्विड होता है ना, वहां पे कुछ कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहा है उधर लिक्विड, ओके हम कुछ ऐड कर रहे हैं, एंगल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फॉर अ लिक्विड राइजिंग कैपिलरी ट्यूब, मतलब कैपिलरी ट्यूब के अंदर हम कुछ ऐड कर रहा है, वो है लिक्विड लिक्विड, ठीक है, उसको राइज होने तक टाइम चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कौन सा कॉन्टैक्ट में आता है वो देखना होता है, ठीक है, वो एक्चुअली याद करना है ना, एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है, उसका एंगल होता है एक्यूट एंगल। चले ठीक है, हम अभी चलेंगे 83rd क्वेश्चन, देखो 83rd क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि असाइन द ब्रेविस लैटिस टाइप फॉर द फॉलोइंग यूनिट सेल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द ब्रेविस यूनिट सेल स्ट्रक्चर फॉर अमोंग दिस। देख लो क्या हो सकता है, इधर पे कॉर्नर पे भी है ना, कॉर्नर पे भी है और बॉडी का सेंटर पे ना, बॉडी का सेंटर पे है, क्या भाई कहाँ कहाँ पे, मैं दिखाता हूं कहाँ पे कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कॉर्नर्स पे है, मतलब कि कॉर्नर्स पे है, मतलब कि 1/8 इंटू 8, मतलब कि एक है
1/8 शेयरिंग करते हैं, एक आ जाता है प्लस बॉडी सेंटर्ड पे है, क्या ना, बॉडी सेंटर्ड पे है, एक है, ठीक है, कितना हो गया, टू है, मतलब कि वहां पे टू हो रहा है, मतलब कि बॉडी सेंटर्ड का है, ठीक है, ये बीसीसी का है, मतलब कि वहां पे कौन सा ब्रेविस लैटिस आता है इसमें, ट्रिगोनल का आता है, क्यूबिक का आता है, ऑर्थोरोम्बिक का आता है, और मोनोक्लिनिक आता है, इसमें कौन सा आता है भाई, बीसीसी। हाँ भाई बीसीसी कौन सा आता है, इधर देख लो कौन सा आता है बीसीसी इसमें भाई, इसमें नॉर्मली हमको आता है कि टेट्रागोनल, ठीक है, कौन सा है, टेट्रागोनल आता है, चले भाई टेट्रागोनल में हमको कौन सा आता है, वहां पे बीसीसी आता है टेट्रागोनल पे। समझ गए नहीं आप लोग, बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, वन लेना है, और क्योंकि वहां पे मतलब देखो टोटल कितना है, टोटल कितना कॉर्नर से, एट है, शेयर्ड बाय 1/8 एटम्स, ठीक है, शेयर्ड बाय 1/8, वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 1/8 एटम्स, ओके, सो यर व्हाट हैपेंड, सो वी आर डूइंग इन दिस वे, एंड फॉर दिस यू आर यूज कंसीडरिंग ओनली वन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज प्रेजेंट हियर, ठीक है, चलो टेट्रागोनल है हमारा राइट आंसर इसमें, ठीक है भाई, चले अब देखो 84th के क्वेश्चन पेपर, 84th क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है, 84th, गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम सम इनर्ट गैस इज एडेड टू द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स विल बी अफेक्टेड, इसका रिएक्शन लिख लेता हूं मैं, कौन सा रिएक्शन आता है इसमें, इसमें कुछ नहीं नॉर्मल, वहां पे मतलब ऐसे कुछ मिसिंग है बस, है ना, चलिए ऐसे कुछ मिसिंग है और कुछ नहीं है इसमें मिसिंग है, ठीक है, 84th में कुछ नहीं है मिसिंग इसमें, देखो ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लेस 2 NH2, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग फैक्ट विल बी अफेक्टेड, सम इनर्ट गैस इज एडेड टू द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बाय इनर्ट गैस एक्ट करके क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इनर्ट गैस एड करके वहां पे भी हम बोल सकता है नो रिएक्शन, क्यों भाई, क्योंकि वो इनर्ट बन गया, अभी तो रिएक्शन तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होता है, वहां पे नो रिएक्शन होता है, सो नो अफेक्ट ऑन द डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम, बस सिंपल, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है ना, नो अफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ एडवांसमेंट फॉर द रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम, चले अभी देख लेंगे 85th क्वेश्चन पेपर, 85th देखो, ऑन व्हाट फैक्टर फ्लूइडिटी ऑफ अ लिक्विड, ऑन अ व्हाट फैक्टर फ्लूइडिटी ऑफ अ लिक्विड इज डिपेंडिंग, भाई फ्लूइडिटी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड होता है, हाँ किसके ऊपर है, मैं बोलता है ना किसके ऊपर, एक डिपेंड होता है नॉर्मली सभी के ऊपर, किसके ऊपर, सभी के ऊपर, इसमें किसके से दिया है, साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, इम्प्योरिटी, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये तीनों के ऊपर वो डिपेंड हो जाता है, क्या भाई, ये तीनों के ऊपर वो डिपेंड हो जाता है, मैंने एक सेंटेंस लिख भी लिया था, ठीक है, देखो फ्लूइडिटी के बारे में कुछ लिख लेता हूं इस इधर, फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू फ्लो और मूव अपार्ट, लिक्विड टू फ्लो और मूव अपार्ट, ओके, टू फ्लो और मूव अपार्ट, ऑन अनदर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी है, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट कौन सा है,
फ्लूइड इज अफेक्टेड बाय, फ्लूइड इज अफेक्टेड बाय अ साइज शेप एंड इम्प्योरिटीज इन द मॉलिक्यूल सिस्टम. साइज शेप, साइज शेप एंड इम्प्योरिटीज. ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, सभी के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, इम्प्योरिटी के ऊपर. सो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन होता है डी, ऑल ऑफ दिस. चले, लिक्विड डिपेंड्स होता है किसके ऊपर, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि इम्प्योरिटीज के ऊपर, शेप ऑफ द लिक मॉलिक्यूल्स एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. चले, अब देखो 86 क्वेश्चन, देखो क्या पूछ 86 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्स वाई मॉलिक्यूल दैट लाइज ऑन अ ए एक्सेस. देखो क्या पूछ रहा है, करेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्स वाई मॉलिक्यूल लाइज ऑन द ए एक्सेस. ये एक्स वाई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक्स वाई मॉलिक्यूल है, वहां पे आता, इसमें आता है बी एक्सिस, नीचे आता है ए एक्सिस, इधर आता है सी एक्सिस. अब पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब भी क्वेश्चन पढ़ो. क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई मॉलिक्यूल्स दैट लाइज ऑन द ए एक्सिस. मतलब कि ए एक्सिस में लाइन हो रहा है, मतलब कि वहां पे क्या होता है ना, लाइस ऑन प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एक्स वाई मॉलिक्यूल दैट लाइस ऑन अ ए एक्सिस. भाई इधर पूछ रहा है कि खोली एक ही चीज के ऊपर फिक्स हो रहा है, ठीक है, एक ही चीज के ऊपर वो लाइस कर रहा है, इसके लिए आईए का वैल्यू आता है इधर जीरो. एंड देखो आगे देखो, आईए इज इक्वल टू जीरो हो गया का लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमको मिलता है आईबी इज इक्वल टू आईसी. ठीक है, आईबी इज इक्वल टू आईसी. देखो ये हमारा आंसर है, आईए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और आईबी इज इक्वल टू आईसी है. चले समझ रहे क्यों, क्योंकि वहां पे दिया है कि एक ए एक्सिस के ऊपर ही रोटेट करना है, बी एक्सिस और सी एक्सिस दोनों सेम कॉन्स्टेंट रहेगा और ओनली ए एक्सिस क्या करेगा, ए एक्स ओनली रोटेट करेगा. ठीक है, देखो ए एक्सिस ओनली जस्ट रोटेट अराउंड एंड यू विल फाइंड दैट द देयर इज अ वेरिएशन इन दिस. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. चले अभी 87 के ऊपर देखो, 87 क्वेश्चन. भाई 87 क्या पूछ रहा है भाई, चलो भाई हम 87 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सॉरी हम 86 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया. अगले सेक्शन पे हम 87 से शुरू कर लेंगे, ठीक है भाई, 87 से शुरू कर लेंगे. मैं सोचा कि आज खत्म कर लो, लेकिन आप कुछ दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं आज खत्म नहीं कर रहा हूं, और अगले सेक्शन पे पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है. अगले सेक्शन में ज्यादा नहीं है ना, देखो अभी तक ओनली फिलहाल 14 क्वेश्चन है बस, 90 थ्री या ओनली 13 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, सो वी कैन फिनिश इन दैट इन नेक्स्ट सेक्शन. ओके चलो हम इसको आज खत्म कर लेंगे इधर, ठीक है भाई. गाइस थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग सपोर्ट. ओके थैंक यू.